सरिता देख रामू आ गया। ओ रामू नहीं आंटी, मेरा नाम मिस्टर रोमियो है। हेलो हेलो आप, ओ रात दिन का फर्क पड़ गया है। मास्टर जा सकते हो, सरिता पियानो सीखेगी। लेकिन मास्टर जी को आए आधा घंटा भी नहीं हुआ, अगर पहले पढ़ाई खत्म कर ले और बाद में पियानो सीखे तो। आया तो हर बात में टांग ना अड़ाया कर, भैया ने तुझे जरा सी छूट दे रखी है इसका ये मतलब नहीं कि तू हर काम में दखल दिया कर। चल जा अपना काम कर। मास्टर अब तुम जा सकते हो। यस नो, बैठिए अरुण बाबू, आया ने कोई बुरी बात नहीं की, मैं भी पढ़ूंगी। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई होगी और पियानो के वक्त पियानो। एग्जैक्टली, आप पढ़ाइए, हर काम अपने वक्त पर होना चाहिए। आंटी चलो हम लोग बाहर बैठे। रीता आई एम मीटिंग आउटसाइड प्लीज। आपको मूछों पे कोई शेर याद है? मूछों पर? लेकिन आपको ऐसे शेर की क्या जरूरत पड़ी? जरूरत है इसलिए पूछ रही हूँ, बताइए ना। ओह अब समझा, मूछ पर। हाँ सुनिए, हाय वो नाज से पाली हुई प्यारी मूछें, वो बुरा इश्क का मुंडवा दी तुम्हारी मूछे। ये अच्छा कहा आपने। क्यों ना हो, क्यों ना हो, ये भी तो आपके राही साहब का ही है। छोड़िए, क्या राही साहब ऐसे शेर लिखते हैं? अच्छा छोड़िए शेर शायरी को, अब अपनी हिस्ट्री की किताब निकालिए। पहले चाय पीजिए। अच्छा कल 5 बजे आ जाऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। आइए मिस्टर आइए, अब पियानो लेसन शुरू करें। मैंने तो आज आपको पहचाना ही नहीं। क्यों, आपने अपनी मूछे क्यों कटाई थी? जी आंटी ने तो कहा था कि मूछों से आपको सख्त नफरत है। पहले नफरत थी लेकिन आपकी मूछे देखकर मेरा जी चाहने लगा कि काश दुनिया के हर आदमी को मूछ होती। मालूम है बिना मूछ के आप कैसे लगते हैं? कैसे? जैसे एटम बम गिरने के बाद हिरोशिमा की हालत हुई थी। कहाँ जाना है आपको? जी 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 मेरी सहेली की सालगिरह है। ओ जी नहीं, पढ़ाई सालगिरह से ज्यादा जरूरी है। चलिए किताब निकालिए, नहीं तो मैं आपके पिताजी से कह दूंगा। मैंने डैडी से इजाजत ले रखी है। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि आप पढ़ाई में इतनी ज्यादा कमजोर हैं? अरुण बाबू आज माफ कर दीजिए, वो भी नहीं देखेगी। प्लीज अरुण बाबू प्लीज। अच्छा आज की माफी। थैंक यू थैंक यू। लेकिन सुनिए रात को जल्दी लौटिएगा नहीं तो कल। राही साहब, राही साहब कहाँ है आप? देखिए ये कितनी सुनसान जगह है, मुझे डर लग रहा है। अच्छा इतना तो बता दीजिए आप यहाँ है या नहीं? जी हाँ। आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की। हाय आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की। हाय आँखों में मस्ती शराब की। चांद का टुकड़ा कहूँ या हुस्न की दुनिया कहूँ, चांद का टुकड़ा कहूँ या हुस्न की दुनिया कहूँ, प्रीत की सरगम कहूँ या
प्यार का सपना कहूँ, सोचता हूँ क्या कहूँ, सोचता हूँ क्या कहूँ, इस शोक को मैं क्या कहूँ। आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की। हाय आँखों में मस्ती शराब की। चाल कहती है न हो पहली घटा बरसात की, चाल कहती है न हो पहली घटा बरसात की, हर अदा अपनी जगह तारीफ हो किस बात की। आरजू कितने दिनों से, आरजू कितने दिनों से थी हमें इस रात की। आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की। हाय आँखों में मस्ती शराब की। राही साहब अब तो इजाजत दीजिए, सामने आओ। अच्छी बात है, पहले दस्तक गिनी। क्यों? देखिए देवी जी। अच्छा अच्छा गिनती हूँ, एक दो तीन चार। कौन है भाई, कौन है? अरे आप अरुण बाबू। आज जरा छुट्टी मिल गई तो सोचा समंदर के किनारे हवा खा के फेफड़ों को ताजा करें, और यहाँ के सुना कोई उल्लू गाना गा रहा है। लेकिन आपको तो किसी सहेली के यहाँ सालगिरह पे जाना था ना? बात ये है अरुण बाबू, जिस लड़की की सालगिरह है ना उसने पार्टी का इंतजाम यही किया है। ओ ये बात है। लेकिन कहाँ है वो? अभी आती ही होंगी। चलो अच्छा है, इतनी देर में हम दोनों बातचीत करते हैं। नहीं नहीं अरुण बाबू, वो अभी आ ही जाएंगी। लेकिन मैं आपको अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? क्या मैं बच्ची हूँ? नहीं नहीं आप जाइए, वो आपको देख कर नहीं आएंगी। देखिए सरिता जी, मैं आपका टीचर हूँ और आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अगर आपको कुछ हो गया तो जानती है मुझे कितनी पशिमानी उठानी पड़ेगी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर पहुँचा दूँ, नहीं तो जब तक आपकी सहेलियाँ नहीं आएंगी मैं यहीं रहूँगा यहीं रहूँगा। ठीक है चलिए, लेकिन एक मिनट मैं आती हूँ। एक मिनट नहीं, दो मिनट लीजिए आप। राही साहब, राही साहब कहाँ है आप? देखिए ना मैं जाने कहाँ से ये कबाब में हड्डी आ गया। अच्छा फिर किसी दिन मिलेंगे। सरिता जी आपने गरीब शायर के जज्बात से खेला है, आपके बार बार बुलाने पर ही मैं आया था, लेकिन मिलने की घड़ी आने पर देखा कि आप किसी और के साथ अटकेलियां कर रही हैं, आखिर मायूस होकर लौट आया। अब तो आपसे यही इल्तजा है कि मुझ गरीब पर रहम करें और मुझे भूल जाएं। बदनसीब रही। क्या पढ़ रही हैं आप? अरे आप रो रही हैं? आ गए हो? ये देखिए आखिर आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करके ही छोड़ा। कल झू बीच पर राही ने मुझे मिलने का वक्त दिया था। अच्छा इसलिए कल आप वहां गई थी? जी हाँ, लेकिन जब वो घड़ी आई तो आप दीवार बन के बीच में खड़े हो गए, वो आपको देख कर लौट गए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। सरिता जी सुनिए तो, सरिता जी आप क्या ये समझते हैं कि राही आपको मेरी वजह से नहीं मिला? बिल्कुल झूठ, राही आपको इसलिए नहीं मिला कि वो बदसूरत है, इतना बदसूरत कि उसकी सूरत पर लड़की तो क्या मरेगी, मक्खी तक बैठना पसंद नहीं करती, और जानती है कितना मोटा है वो, इतना मोटा कि आपका ये दरवाजा उसके लिए छोटा पड़ेगा। ठीक आपकी तरह दो लड़कियां उसकी फैन थी, एक दिन उसको देखने के बाद एक लड़की तो डर के मारे पागल हो गई, और दूसरी? दूसरी ने आत्महत्या कर। आत्महत्या? जी हाँ आत्महत्या, ना उसकी सूरत है ना करेक्टर, तीन बार थाने में चालान हो चुका है उसका। आप चलिए मेरे साथ उसके घर,
मैं आपके सामने उसे कहूंगा, अबे ओ शायर के बच्चे, अपने दिमाग का इलाज कर। तू शमा परवाना गुलो बुलबुलों की ख्याली दुनिया में रहता है, लेकिन ये नहीं समझता कि सरिता एक आफ्ताब है और मैं एक जर्रा। भला एक जर्रे का आफ्ताब के साथ क्या मुकाबला? चलती हैं मेरे साथ। नहीं नहीं अरुण बाबू, मैं उन्हें नहीं देखना चाहती। एक बार जरूर देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आवारा बादल जैसी कविता लिखने वाला खुद भी कितना आवारा है। जाने दीजिए राही की बातें, मुझे उनसे क्या वास्ता। अरुण बाबू, आज मुझे पढ़ने का बिल्कुल जी नहीं है, चलिए आज हम दोनों पिक्चर देखने चलें। जी नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? एक बार जू में आपसे मुलाकात हो गई तो तूफान मच गया, अब के जाऊंगा तो ये सब बहाने हैं। प्लीज अरुण बाबू चलिए ना। अल्लाह रे अल्लाह रे अल्लाह रे, पास होके भी उल्फत की दूरियां। अल्लाह रे पास होके भी उल्फत की दूरियां, वो सामने हैं फिर भी मुझे इंतजार। ये हुई शायरी दर साहब, नहीं तो आजकल के लमड़े शायर बगैर काफिया रदीफ के शायरी करने लगे। महमिल की जगह मोटर ने ले ली है और मजनू जंगल की जगह शहरों की खाक छानने लगा है। जब खाक ही छाननी है तो फिर शहर क्या और जंगल क्या? आप ही का इंतजार था। देखिए भाई, मैं अब आप लोगों से माफी चाहता हूँ, राही साहब आ गए हैं। कोई बात। सुनिए, आप लोगों की कोई बहन जया नाम की तो नहीं है? अच्छा तो आप लोग जा सकते। राही साहब मुबारक पेश कर रहा हूँ। किला सदाबहार के पिछले पर्चे में आपकी वो नज्म आवारा बादल खूब को, और आपकी जबान तो हिंदी उर्दू का संगम है, हजरत आरजू लखनवी की आपका। देखिए तनवीर साहब जी, इतने देर में तो आप घर पहुंच गए होते। वल्लाह बड़ी मुश्किल से राही साहब आता है। माफ कीजिएगा आदर। हाँ तो कहिए दर साहब, कैसे याद फरमाया? अजी साहब, फकीर का तो एक ही सवाल है, सदाबहार का अगला पर्चा प्रेस में जाने वाला है, आपकी नज्म का भी रंग रहे। अरे बाप रे, ये लोग नहीं आ रही है क्या? अरे हाँ, मैं तो आपसे कहना ही भूल गया था, ये हमारे छापे खाने के मालिक रमेश चंद की बहन जयश्री हैं, इनके साथ आपकी कोई फैन है, आप ही से मिलने आ रही हैं। डर साहब यही है जया, अब तो मैं बिल्कुल गया। अरे राही साहब, आखिर बात क्या है, हुआ क्या? अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। आप तो पहेलियां बुझा रहे हैं, आखिर माजरा क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, हाँ। आप अपने सदाबहार के लिए मुझसे नज्म जाते हैं? हाँ जरूर जरूर। अगर नज्म जाते हैं हाँ। तो इन लड़कियों को बाहर ही रखिए। ये कौन सी बड़ी बात हुई साहब, वो अंदर बिल्कुल नहीं आएंगी, हर चीज नहीं आएंगी। साहब इधर से नहीं, उधर से आइए। उन्हें रोकिए। नमस्ते चाचा जी। जीते रहो बेटा। यही है मेरी फ्रेंड सरिता। नमस्ते। राही साहब अभी नहीं आए चाचा जी? हाँ आए तो हैं, मगर उनका तुम लोगों से मिलना मुश्किल है। क्यों, मुश्किल क्या है? क्या अर्ज करूँ बेटा, कुछ दिनों से उन्होंने किसी भी लड़की से न मिलने का फैसला कर लिया है। क्यों राही साहब, बात यही है ना? हाँ मौलाना, मुझे आग और लड़की से बहुत डर लगता है। देखिए राही साहब, हम इतनी दूर से आपसे मिलने आए हैं, दो ही मिनट सामने आ जाइए, हम आपको उठा तो नहीं ले जाएंगे। सामने आ ना सकूं और बुला भी ना सकूं, दिल पे अपने जो गुजरती है सुना भी ना सकूं। चल सरिता, ये कौन सा ताजमहल है जिसे देखे बिना जिंदगी अधूरी रह जाएगी? चुप रहे। देखिए राय साहब, हम आपकी कविता आपकी जबानी सुनने आए हैं। ओ कविता सुनना है, वो तो मैं यहाँ से भी सुना सकता हूँ। लेकिन सुनाने वाला नजर ना आए तो फिर क्या मजा? देखिए मेरी सूरत में क्या रखा है, जज्बात तो अल्फाज में होते हैं। अच्छा आपकी जिद है तो ऐसे ही सही। तू सुन, मैं चाची से मिलकर आती हूँ, चलिए चाचा जी। चलो बेटी। अच्छा तो बेटी तुम यहीं बैठो और देखो, राही साहब को देखने की कोशिश मत करना, सोच लो कि टेलीफोन से ही बातें कर रही हो। चलो बेटी। राही साहब, आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मेरी आवाज और एक लड़की पहचानती है? देवी जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे आग और लड़की से बहुत डर लगता है, जल्दी बताइए आप क्या सुनना चाहती हैं? जी आवारा बादल, आपकी ये कविता न जाने कितनी बार पढ़ चुकी हूँ। फिर तो एक शर्त पर सुनाऊंगा, उसमें जलधारा का जो हिस्सा है वो आपको कहना होगा, मंजूर? जी हाँ मंजूर है। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा।
इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूं साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूं साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूं साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। साथ चलूं तेरे जब तक न कहे तू मैं हारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूं साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। अब लौट के जाना मुश्किल है, मैंने छोड़ दिया है जग सारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूं साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। देवी जी क्या सोच रही हैं आप? काश कि मैं आपको एक बार देख पाती। खैर जाने दीजिए, कहिए मैं आपको खत लिखूं तो जवाब देंगे? दे सकता हूँ, लेकिन खत कविता में होना चाहिए। कविता में? अच्छा कोशिश करूंगी। क्यों रे, सुन ली कविता? हाँ तो चल। अच्छा राय साहब नमस्ते। नमस्ते। लो भैया चाय पियो। चाय? यार सूरज किधर से निकला, बिना मांगे चाय मिल रही है? जरूर कोई गरज होगी तेरी। गरज क्या है मेरी? भैया तुम मुझे हर महीने जेब खर्च के लिए जो पैसे देते हो ना, उसमें से 2 रुपए 10 आने बचा के मैंने सिनेमा के 2 टिकट खरीदे हैं। चलो ना भैया चले। अच्छा तो इसलिए चाय की रिश्वत दी जा रही है? नहीं हम नहीं जाएंगे, हमसे पहले क्यों नहीं कहा गया? पहले से बताती तो तुम मानने वाले थोड़ी थे, तुम तो यही कहते देख वीना।
पैसा खर्चना आसान मगर कमाना मुश्किल। 2 रुपए 10 आने का तू दूध पी सकती है, फल खा सकती है, घर की कोई चीज खरीद सकती है। अरे अरुण, कभी अपनी छोटी बहन का दिल भी रख लिया कर। भैया, दीदी का हुक्म है भैया। अच्छा बाबा, अगर हुक्म है तो चल सिनेमा देखने चले। मिस्टर रोमियो, चलिए वापस, मेरे सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है? थैंक यू सरिता। ओ जया, अरे ये कितना सुंदर हार है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सरिता जी, सालगिरह मुबारक। ये लीजिए राही की नई किताब, आज ही प्रेस से निकली है। मैंने सोचा इससे अच्छा तोहफा आपके लिए और क्या हो सकता है। थैंक यू बेरे, इसे रख दो। ओह मिस्टर रोमियो आ गए। गुड इवनिंग मिस्टर रोमियो। बाय जूव मिस रीता, आई एम डेड, मैं मर गया। क्या बात है मिस्टर रोमियो? आपका ये ड्रेस, इट्स किलिंग मिस रीता, मुझे मार डाला मिस रीता। आपको ये ड्रेस पसंद है? पसंद मिस रीता, मैंने लंदन में कितनी लड़कियां देखी, कितनी ड्रेसेस देखी, लेकिन आपका ये ड्रेस और आप, आई मीन डोंट बी सिली। ओह थैंक यू वेरी मच। ओह आइए, आपका सबसे पहले। ओ मास्टर जी, नमस्ते। प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। थैंक यू, आप तो भी बैठो। बैठो ना। कैसे हो? ठीक। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने मिस रीता और हम एक डांस पेश करेंगे। इस डांस का नाम है द कॉल ऑफ द यूथ। मिस रीता, thank you.
आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया। जो ना चमन मिल सका मैं वो गरीब फूल हूँ, जो ना चमन खिल सका मैं वो गरीब फूल हूँ, जो कुछ भी हूँ बाहर की छोटी सी एक भूल हूँ, जिसने खिला के खुद मुझे खुद ही मुझे भुला दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे। नगमा हूँ कब मगर मुझे अपने पे कोई नगमा हूँ कब मगर मुझे अपने पे कोई नाज था, गाया गया हूँ जिस पे मैं टूटा हुआ वो साज था, जिसने सुना वो हंस दिया, हंस के मुझे रुला दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे। मेरी खता माफ में झूले से आ गया यहाँ, मेरी खता माफ में झूले से आ गया यहाँ, वरना मुझे भी है खबर मेरे ये जहाँ, डूब चला था नींद में अच्छा किया जगा दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे आँख से तुमने गिरा दिया, मोती किसी के प्यार का मिट्टी में क्यों मिला दिया, आंसू समझ के क्यों मुझे। देखा आपने, मैं गा सकता हूं।
और अगर आप फरमाएं तो मैं नाच के भी दिखा दूं। नमस्ते। कल ठीक 5 बजे पढ़ाने के लिए आ जाऊंगा। बोलते क्यों नहीं, जवाब दो। तुम अच्छी तरह जानती थी कि उन्हें गाना नहीं आता, और इसलिए तुमने उन्हें गाने के लिए के सामने उनकी बेइज्जती हो जाए। बोलो, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई, जवाब दो। आया, मैं पूछती हूँ कि एक तरह मुझसे फसल मारने की तुमको हिम्मत कैसे हुई। क्या कहा? मैं ठीक ही कह रही हूँ, तुम अपनी औकात से बाहर जा रही हो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम इस घर की एक मामूली सी आया हो। आया, आज 18 साल से अपना खून पसीना बहाकर तुम्हें पाल रही हूँ। चाहिए तुमने मुझे मारा? नहीं, क्या हुआ, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं, क्या हुआ आया? जी बात यह है कि इसने मास्टर जी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और मेरे समझाने पर बिगड़ गई, इसलिए मैंने गुस्से में आकर इसे मार दिया। क्या तुमने भी आकर चादर के बाहर पैर फैलाना शुरू कर दिए? यह सब मेरी ढील का नतीजा है। आया, आज से कहीं तुम अपना और इंतजार। जाने से पहले तुम्हें छी भर के देखने आई हूं। आया, ओ मछलियों को खाना खिला रही है? जी हाँ। अरुण बाबू, आपने तो नहीं मिला, लेकिन मैं कल राही से मिलाई। अच्छा, कितने अच्छे आदमी है वो। जितना उनके गीतों में मिठास है, उतना ही रस उनके गले में है। क्या लिखते हैं, क्या गाते हैं। ओ, तो आप हैं वो लड़की? जी, मेरा मतलब है बहुत दिनों के बाद वो मुझे मिलने के लिए आया था और कह रहा था कि एक बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत लड़की उसे मिलने के लिए आई थी। लेकिन वो तो मुझसे मिले ही नहीं, फिर उन्हें कैसे मालूम कि मैं देखने में खूबसूरत हूँ? मुझे क्या मालूम, उसकी आदत ही कुछ ऐसी है, जिस लड़की को देखता है उसकी झूठी तारीफ करनी शुरू कर देता है। सच बताया ना अरुण बाबू, उन्होंने क्या कहा था? कहा था कि वो लड़की यानी कि आप बहुत खूबसूरत हैं, अकलमंद हैं, आपके गले में जादू भरा है, आप हंसती हैं तो सुबह हो जाती है और शर्माती हैं तो लाजवंती की बेल फीकी पड़ जाती है। लेकिन आप तो कहते थे वो संकी है, पागल है। तो खामखा किसी पराई लड़की की तारीफ करना पागलपन नहीं? रहने दीजिए, आप उनसे जलते हैं। मैं क्यों जलने लगा? मैं शक्ल सूरत में राही से अच्छा हूँ, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, खामखा किसी पराई लड़की की झूठी तारीफ नहीं करता। बाकी रही शायरी, तो जब मैं शेर कहा करता था उस वक्त राही साहब पैदा भी नहीं हुए थे। तो क्या आप गीत लिखते थे? कभी राही साहब से मुलाकात हो तो पूछ लीजिएगा। तो मेरा एक काम कर दीजिए, राही साहब ने मुझे वचन दिया है कि मैं उन्हें कविता में खत लिखूं, तो वो मेरे खत का जवाब देंगे। मुझे कविता में खत लिख दीजिए। तो ये कौन सी बड़ी बात है, आप जल्दी से एक प्याला चाय बंदोबस्त कीजिए। अच्छा, और मैं अभी शायरी लिखता हूँ। अच्छा,
मास्टर जी के लिए एक कप चाय भेज दो और सुनो आया से कहो कुछ खाने के लिए भेज दे। क्यों लिख लिया अरुण बाबू? हाँ इतनी जल्दी? जी कविता लिखना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सुनिए, सरिता है खत लिखने वाली का नाम, मोहब्बत भरा भेजती है सलाम। सलाम क्यों, प्रणाम अच्छा रहेगा। देखिए सरिता जी, अगर मुझसे लिखवाना है तो जो मैं लिखूंगा वही होगा। अच्छा सुनिए, बहुत खुश हूँ कल की मुलाकात से, नहीं नींद आई मुझे कल रात से। लेकिन कल तो मैं बहुत अच्छी तरह सोई थी। ओहो सरिता जी, ये शायर लोग बड़े झूठे होते हैं और इनको झूठी बातें ही लिखनी चाहिए। सुनिए, कशिश थी अजब आपके गीत में, डूबी हुई कल से संगीत में, कहाँ बज रही हैं ये शहनाइयाँ, बसा दी किसने मेरी तन्हाइयाँ, मिले भी मगर एक हसरत रही, मुझे आपसे एक शिकायत रही, मेरे सामने आप आए न क्यों, ये पर्दे बताओ उठाए न क्यों, किसी दिन जरा सामने आइए, कसम प्यार की अब न शर्माइए। प्यार की कसम क्यों अरुण बाबू? तो क्या मैं उसे हाथी घोड़े की कसम दूँ? सरिता जी ये शायरी है और शायरी प्यार के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। आखिरी शेर सुनिए, जो आते नहीं तो बुला लीजिए, ये एहसान होगा अगर कीजिए। क्या रही ऐसे खत का जवाब देंगे? ये कविता पढ़कर तो उसके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। हाँ हाँ यही कहेंगे, किसी ने तुकबंदी लिख भेजी है। तो ये तुकबंदी, सरिता है खत लिखने वाली का नाम, मोहब्बत भरा भेजती है सलाम, मिला है आज ही खत मुझको एक अनजान लड़की का, कि मिलता है नदी से नाम उस नादान लड़की का। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। रुक क्यों गई? बहुत अच्छा हो रहा है। ब्यूटीफुल। चलिए शुरू कीजिए। मिस्टर रोमियो मुझे नहीं अच्छा लगता। ऐसे कैसे चलेगा, 2 दिन के बाद सालगिरह के फंक्शन है, आपको डांस करना है और इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माय प्रेस्टीज। प्लीज शुरू कीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 7 8 9 10 20 डोंट दिस टाइम। चलिए अब दूसरा शुरू करते हैं। पहले आप मुझे देख लीजिए, देखिए चा। चाचा को क्यों बुलाता है? ओ चाचा नहीं चाचा यानी चाचा को चाय चाहिए, कप ऑफ टी। गेट आउट नहीं जाऊ। लॉली स्टॉप। व्हाट यू नो हाउ टू टॉक? व्हाट यू नो हाउ टू वॉक? व्हाट यू नो हाउ टू डाइ? लॉली पॉप। चाचा बेबी आपकी चिट्ठी। चिट्ठी? ओ फ्रॉम राही। थैंक यू राही। Who is this scoundrel? क्या राही को स्काउंडल कहते हैं? क्यों न, तो जिसकी चिट्ठी पाकर आप इतनी खुश हो गई वो स्काउंडल नहीं तो क्या है? He is a scoundrel. Shut up! साहब आपके लिए चाय काफी लाओ या ठंडा? Shut up! मिला है आज ही खत मुझको एक अनजान लड़की का, कि मिलता है नदी से नाम उस नादान लड़की का। वाह वाह, सरिता भी नहीं कहा और मेरा नाम भी समझा दिया। राही सचमुच राही है। न जाने क्यों उसे राही से मिलने की तमन्ना है, कली को काहे वीराने में की तमन्ना है, वो रह रहकर मुझे मिलने का क्यों इकरार करती है, मेरे गीतों पे मरती है या मुझसे प्यार करती है? अगर मैं दोनों से करूं तो क्या मुझे कोई रोकने वाला है? चलो एक बार मिली ले, ये सपना टूट ही जाए, ये झूठा सा रिश्ता है, चलो ये छूट ही जाए। समुंदर के किनारे शाम को झूपे कल आना, मिलेगा पूरे 7:30 पर तुमको ये दीवाना। तो क्या मुझे राही मिलेंगे? थैंक यू राही। न जाने कब सुबह होगी और न जाने कब कल की शाम आएगी। ओ मिस्टर क्लॉक जरा तेजी से चला करो। हेलो मिस्टर रोमियो। ओ मिस्टर टीचर जस्ट से क्या आप बता सकते हैं ये राही कौन है और कहाँ रहता है? राही तो एक शायर है, सुना है लड़कियों के दिल में रहता है।
लड़कियों के दिल में? लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं, वो मुझे मिल जाए तो मैं उस शायर के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊं कि जिंदगी भर के लिए शायरी। मेरा नाम सरिता है, लेकिन आप यहाँ वहाँ क्या? ये मेरा घर है। कहिए, आप किससे मिलना चाहती हैं? जी, मैं अरुण बाबू से मिलने आई हूँ। वो मेरे मास्टर जी हैं और वो मेरे भाई हैं। भाई? क्यों, शक है? आइए, अंदर तो आइए, बैठिए। शुक्रिया। जरा अरुण बाबू से मिलना था। मेरा ख्याल है आज भैया देर से लौटेंगे। रंग भवन में कवि सम्मेलन है और भैया भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अरुण बाबू को तो कविता से सख्त नफरत है। क्या कह रही हैं आप? भैया बैठना, खाना पीना, उड़ना बिछाना सब कुछ कविता ही तो है। क्या आपने कभी राही का नाम नहीं सुना? राही? राही तो बहुत बड़े कवि है। राही मेरे भैया का ही तो नाम है। वो असली नाम से नहीं बल्कि इसी नाम से कविता लिखते हैं। ओ, समझी। देखिए, अपने भैया को बताइएगा नहीं कि मैं यहाँ आई थी। तो फिर क्या कहूँ? कुछ भी नहीं, आपको मेरी कसम। अच्छा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है मिस्टर रोमियो? अब मिस्टर टीचर, उस शायर के बच्चे राही का कुछ पता चला? राही? ओ हाँ, बड़ी अच्छी खबर लाया हूँ। क्या? बस समझ लीजिए आपके रास्ते का कांटा दूर हो गया। क्या मतलब? राही और रीता में झगड़ा हो गया? ओ नो नो मिस्टर रोमियो, राही रीता से ही नहीं बल्कि सारी दुनिया से रूठ गए। मैंने सुना है वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चल बसे। व्हाट? ही इज डेंजरस। वो मर गया। व्हाट ए गुड न्यूज, व्हाट ए गुड न्यूज। मगर वो मरा कैसे? मरता कैसे? मौत आ गई, मर गया। शुक्र है कि वो अपनी मौत मरा, नहीं तो मैं उसको मारता। क्या करते हैं? मैं अभी इस बात पर रीता को बता। मेरी ठहरी ठहरी ठहरी, रीता राही से प्यार करती है और आप रीता से प्यार करते हैं। अगर आप रीता का दिल जीतना चाहते हैं तो रोनी सूरत बना लीजिए और दर्द भरे लहजे में उसे जाकर कहिए, और रीता आज का दिन बड़ा मनहूस दिन है। शायरों का वो बादशाह जो अपनी शायरी से मुर्दों में जान डाल दिया करता था, आज खुद मुर्दा बन गया है। खोल लीजिए अपने बाल बखेरिए और आंखों में आंसू लाइए। गुड लक। रीता व्हाट ए गुड न्यूज, आई मीन व्हाट ए बैड न्यूज। रीता गजब हो गया। क्या बात है मिस्टर रोमियो? कैसे कहूं रीता, दिल फटा जा रहा। लेकिन आपके दिल फटने का धमाका। देखो रीता, ये खबर सुनकर तुम कहीं घबरा ना जाना। रीता तुम्हारा राही, तुम्हारा राही मर गया है। रीता राही मर गया? जी हाँ, मैं उसकी अर्थी के साथ ही था। गीतों की दुनिया का बादशाह जिसके गीत मुर्दों को भी जिंदा कर देते, आज हमेशा के लिए मुर्दा हो गया है रीता। आखिर बनना तो था ही उसे, बीमारी कितनी बुरी थी, देसी शराब पी कर फेफड़ों में मोरियां हो गई थी। सही बात है। रामूजी, रोमी साहब बहुत ही अच्छा हुआ, इस वक्त आप यहां से चले जाइए और उन्हें अच्छी तरह रोने दीजिए। आंसुओं के साथ राही की याद भी दिल से निकल जाएगी और आपके लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। सरिता जी, मरने वाला तो मर गया, अब रोने से क्या? मैं इसलिए नहीं रो रही कि वो मर गए हैं, बल्कि इसलिए रो रही हूँ कि वो जिंदा है और मेरे सामने खड़े हैं। आपके सामने? लेकिन कहाँ? ये है जी। जी, मैं आज सुबह आपके घर गई थी, आपकी छोटी बहन वीना ने मुझे सब कुछ बता दिया। कहिए, इस वांग रचने की क्या जरूरत थी? देखिए सरिता जी, मैं यहाँ एक टीचर की हैसियत से आया था। जब मुझे ये मालूम हुआ कि आप राही की इतनी दीवानी हैं, तो सोचा आप पढ़ने की बजाय मेरी कविता ही सुनती रहेंगी और मैं अपना फर्ज निभा ना सकूंगा। क्यों बेटी, कल के बाद की माफी मांग ली मास्टर जी से? जी, माफी कैसी, सरिता ने तो मुझे गाने का मौका दिया था। बच्ची जो ठहरी भूल कर बैठती है लेकिन बाद में पछताती है। अच्छा, तो आपको पछताना भी आता है? जो कुछ हो गया उसे भूल जाइए। किताब निकालूं? नहीं, आज आपको छुट्टी। नहीं, कल मुझे जरूरी काम है, आज डबल पढ़ा दीजिए। कल बहुत जरूरी काम है आपको? कल शाम मैं राही के साथ घूमने जा रही हूँ।
लेकिन राही कल तक इंतजार नहीं कर सकता। सच सच दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ कदम मिला कर चले उधर लेके चले ये प्यार जिधर प्यार की राही तू ही बता खत्म कहाँ होगा ये सफर कदम मिला कर चले उधर लेके चले ये प्यार प्यार की राही तू ही बता खत्म कहाँ होगा ये सफर जहाँ पे गाए दिल की सरगम झूम झूम कोई हम तुम हम संग संग चले आज वहाँ दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ हुआ था यही कहीं खबर ये दिल को मगर नहीं छुपा हुआ था यही कहीं खबर ये दिल को मगर नहीं हटा वो पर्दा प्यार जागा चलो बसा ले हम तुम हम संग संग एक नया जहां दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ गली थी पहले फूल हुई कहो ये किसकी भूल हुई चमन रहे ये खिला दिल वो दिल से मिला गली थी पहले फूल हुई कहो ये किसकी भूल हुई चमन रहे ये खिला दिल वो दिल से मिला मिली है मंजिल जिंदगी को दिल ये पूछे हम तुम हम संग संग अब चले कहाँ दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ दिल से दिल की डोर बांधे चोरी चोरी जाने हम तुम हम संग संग चले आज कहाँ
अच्छा आप तो कवि हैं, बता सकते हैं ये शाम, ये आसमान, ये धरती, ये सब मुझे आज इतने रंगीन क्यों लग रहे हैं? सरिता, रंग वहां नहीं लगा, रंग लगा है तुम्हारे मन में। चित्रकार भी हैं? क्या मतलब? जानते नहीं किसने लगाया ये रंग मेरे मन में? देखिए देखिए ये लाइनें यहाँ पर कितनी अलग हैं और वहां पे मिल गई हैं। हाँ सरिता, बिल्कुल हमारे जीवन की तरह, हम एक दूसरे से कितनी दूर थे और अब कितनी पास पास। चले घर चले। चलो। अरुण, मुझे कह तो दिया होता कि ये आ रही हूँ। हाँ भैया, पहले से खबर होती तो मैं दरवाजे पर रोल डालती, शंख बजाती। नए मेहमान का स्वागत तो होना ही चाहिए। देखिए आप मुझे पराया क्यों समझती हैं? पराया कौन समझता है, मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा है ना। तो अच्छी तरह देख लो दीदी। चलो भैया अंदर चले, कौन जाने दीदी इनसे क्या पूछना चाहती है। आओ चलो, आओ फिर बैठ। बीना अपने भैया को अंदर क्यों ले गई? शरीर से प्यारी, कुछ न कुछ सोचती रहती है इसे। सरिता, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लेकिन पूछिए ना। रीना कुछ दिनों से कुछ कह रही है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पिताजी से बात छेड़ूं। आपकी मर्जी। मेरी मर्जी क्या, तुम्हारी खुशी भी तो होनी चाहिए। मैंने तो इनकार नहीं किया। अरुण, वीना, बाहर आओ तुम लोग। कहो क्या बातें हुई? नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं, यूं ही जान पहचान हो रही थी। अच्छा बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। लेकिन चाय तो पी कर जाओ। नहीं वीना आज नहीं, बहुत देर हो गई है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। अरे अरुण, यह छोड़ के तो आ? ओ दीदी थैंक यू। ए, सुनो दीदी क्या कह रही थी? कुछ नहीं, पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी। और तुमने क्या कहा? क्या दिया, पढ़ाते लिखाते कुछ नहीं, बस बिठाकर कविता सुनाया करते हैं। अच्छा ये बात है, तो कल से कविता बिल्कुल बंद, बस पढ़ाया ही करूँगा। लेकिन मैं पढ़ूँ तब ना। क्यों, पढ़ोगी क्यों नहीं? इसलिए कि मुझे जज बैरिस्टर नहीं बनना है। तो क्या बनना है? मुझे तो किसी के घर की बहू बनना है। सरिता, सरिता, ये नामुमकिन है। मैं अरुण को अच्छी तरह जानता हूं, वो तालीम याफ्ता है, जिम्मेदार है, लेकिन उसकी हैसियत क्या है? न कोई मुस्तकिल मुलाजमत है, न जायदाद, न घर बार। ऐसी हालत में सरिता का हाथ उसके हाथ में कैसे दे सकता हूं? ये सब तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरिता और अरुण के दिल मिल चुके हैं। सरिता भी बच्ची है और वो नहीं जानती कि इस मिलाप का मतलब क्या है। महलों से निकलकर झोपड़ों में रहना, सेज से उठकर कांटों में सोना को मजाक नहीं है। दौलत हमारे पास नहीं, फिर भी हम उसके भूखे नहीं। मैं तो सिर्फ वो लक्ष्मी मांगने आई हूं जिसका नाम सरिता है। लक्ष्मी मांगने से पहले ये तो सोच लिया होता कि लक्ष्मी का निवास कल कंगाल के घर में नहीं होता। सरिता से हमारी गरीबी छुपी नहीं, वो तो अरुण को बहुत अच्छी तरह जानती है, एक दो बार हमारे घर भी हो आई है। आप दोनों ने मिलजुल कर उसे बहकाया है, आप लोगों की नजर हमारी जायदाद, हमारी दौलत के ऊपर। मेरी कुर्सी पर क्यों बैठी है? चलो उठ यहां से। दीदी जल्दी से एक प्याला चाय का बना दो, ट्यूशन के लिए देर हो रही है। चाय बना देती हूँ मगर वहां नहीं जाने दूंगी। वाह, वहां नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? भगवान कोई और रास्ता बना देंगे। जिस घर में इज्जत नहीं
वहां का नमक खाने से तो फाका कर लेना अच्छा है। दीदी क्या हुआ, किसी ने तुम्हें कुछ कहा? अरुण, सरिता की रजामंदी से मैं तुम्हारे लिए सरिता का हाथ मांगने चौधरी साहब के पास गई थी। मैं न जानती थी कि जिस घर की बेटी इतनी नेक और इतनी मिलनसार है, उस घर के मालिक के दिलो दिमाग में दौलत का नशा है, झूठ का गरूर है। मुझे इनकार कर देते लेकिन इज्जत से तो पेश आते। वो समझते हैं कि हमने उनकी दौलत हजम करने के लिए उनकी बेटी को बहकाया है। उनकी नजर में हम गली के कीड़े हैं, कंगले हैं। लेकिन दीदी तुम्हें वहां जाने के लिए कहा किसने था? मेरे पूछे बगैर तुम वहां गई क्यों? तुमने एक अमीर की चौखट पर जाकर अपनी चांद से उजली गरीबी पर कलंक क्यों लगा लिया? क्या हुआ बेटी, कहां जा रही हो तुम? सुना था वीना, अरुण बाबू कहाँ है? वो घर पर नहीं है। वहां भी तो नहीं आए। सरिता, अब वो तुम्हारे यहाँ कभी नहीं जाएंगे। क्यों? अब वहां क्या लेने जाएंगे? उस घर से जो कुछ लेना था दीदी जो लेकर आ गई। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। अरमान था गुलशन पर बरसूं, एक शोक के दामन पर बरसूं। अरमान था गुलशन पर बरसूं, एक शोक के दामन पर बरसूं। अफसोस जली मिट्टी पे मुझे तकदीर ने मेरी दे मारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। मदहोश हमेशा रहता हूँ, खामोश हूँ कब कुछ कहता हूँ। मदहोश हमेशा रहता हूँ, खामोश हूँ कब कुछ कहता हूँ। कोई क्या जाने मेरे सीने में है बिजली का भी अंगारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं।
मैं खुद बेघर बेचारा, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। अरुण बाबू आप यहाँ? क्या मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई? पहले और अब में बहुत फर्क है सरिता जी। कुछ भी हो, हम तो एक दूसरे के लिए वही हैं। कहाँ है गरीब कंगाल शायर और कहाँ एक रईस की लड़की? ये आप क्या कह रहे हैं अरुण बाबू? एक दूसरे से बिल्कुल अलग है जी। क्या कहा आपने? जी हाँ जी हाँ, लेकिन कम से कम एक बार लड़की को तो देख जाइए जी। हाँ हाँ, देखिए आइएगा जरूर, मैं परसों आपका इंतजार करूंगा। अच्छा नमस्ते। मालिक। क्या है यार? मैं सरिता की शादी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ सरिता मास्टर जी की तरफ खींच रही है, फिर क्यों नहीं इन दोनों का रिश्ता जोड़ दिया जाए। आया, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया? क्या तुम भी चाहती हो सरिता की किस्मत उस कंगाल के हवाले कर दी जाए? लेकिन लड़का तो बुरा नहीं है। बुरा तो मेरा ड्राइवर भी नहीं है, इसका ये मतलब तो नहीं मैं उस ड्राइवर को अपना दामाद बना लूंगा। मगर लड़की के दिल का भी तो ख्याल रखना चाहिए। नहीं, हमारा फर्ज है कि उसे गलत रास्ते पर चलने से रोका जाए। ना तो न्यामत में पली हुई फूल सी लड़की को उस ब्यावान में भेज दूं जहां भूख की रेत के सिवा कुछ भी ना हो। मगर मालिक, सिर्फ दौलत ही तो नहीं देखी जाती, आदमी की शराफत, खानदान और उसकी तालीम भी तो देखी जाती है। और फिर आपकी एक ही तो बच्ची है, भगवान का दिया हुआ जो कुछ भी इस घर में है सब सरिता का ही तो है। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अरुण की शादी सरिता से नहीं मेरी दौलत से हो रही है। लेकिन यह सवाल दौलत का नहीं, प्यार का है। प्यार? प्यार की चिड़िया का नाम है। जब दो दिन उस घर में फाके लगे तो प्यार हवा हो जाएगा। मैंने सरिता का रिश्ता एक बहुत बड़े घर में पक्का कर दिया। मगर वो रिश्ता सरिता को भी तो मंजूर हो। तुम इतनी बात करो जितनी तुम्हें शोभा दे। सरिता मेरी बच्ची है, उसकी खुशी का ख्याल मुझसे ज्यादा और किसको होगा। मोतीलाल जी शहर के नामी रईसों में से, और मैंने उनके बड़े लड़के के साथ सरिता की बात पक्की कर दी है, और परसों सरिता को देखने आ रहे हैं। ये अच्छी कही चौधरी साहब, मैं तो ये सोचकर सिर्फ 200 आदमी की बारात लाने वाला था कि कहीं आप पर ज्यादा बोझ ना पड़े। मोतीलाल जी बोझ कैसा, इकलौती बच्ची है। अब बारात पूरे 500 आदमियों की लाऊंगा। बेटी मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। मैं आत्महत्या कर लूंगी। जी जी ऐसी बात नहीं करते, मेरा दुख समझने वाला कोई नहीं है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे किसी का सहारा तो होता। मगर बेटी, मैं जो तुम्हारी माँ हूँ मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन ये नहीं देख सकती कि मेरे होते हुए तुम्हारा दिल टूटे। मैं शादी नहीं होने दूंगी, हर किस नहीं होने दूंगी। आया, ओ आया, आया आया आया। क्या है लाले? सुना तुमने, मामा जी ने अभी 4 मन मिठाई और 6,000 रसगुल्ले का ऑर्डर दिया है। सरिता की शादी और अपने पेट की आबादी। मजा आ गया। ये क्या लाले, जरा देख के हाथ पैर चलाया। आया हाथ पांव है, थोड़ी मोटर गाड़ी है जो ब्रेक मारा रुक गया। सुनो आया, मैं कुछ रसगुल्ले चोरी करके यहाँ रख जाऊंगा और जब मुझे भूख लगेगी तो खा के चला जाया करूंगा।
किसने ये खत लिखा? किसी ने भी लिखा हो, आप सिर्फ इतना बताइए कि ये बात सच है या झूठ। आपके कांपते हुए हाथ ये साफ कह रहे हैं कि सरिता आपकी बेटी नहीं है। मुझे आस्था बोलिए, सरिता जन्म से मेरी बेटी नहीं, लेकिन संबंध ने मुझे मेरी बेटी से भी ज्यादा प्यारी है। अच्छा, तो कहीं से उठाई हुई लड़की आप मेरे लड़के के पल्ले बांधना चाहते थे? किस जंग का बैर था मुझसे? मोतीलाल जी, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सरिता की भलाई के लिए कर रहा हूँ, वो मेरी बच्ची की तरह, नहीं तो मैं उसका हाथ किसी भी मामूली आदमी के हाथ में दे सकता था। जगत नारायण, जी तो चाहता है कि पुलिस को खबर करके तुम्हें दगाबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दूं। तुम जहां भी चाहो अपनी बेटी की शादी कर सकते हो, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकता जिसकी न जात पात का पता हो न माँ बाप का। मोतीलाल जी, मामा जी, सरिता आपकी बेटी नहीं है। लाली, तूने? मैंने सब सुन लिया मामा जी, उसकी शादी भी टूट गई। लाली, तूने जो कुछ सुना बेटा, इसका जिक्र किसी से मत करना, अपनी माँ से नहीं, सरिता से नहीं। क्यों मामा जी? मैं जो कह रहा हूँ बेटा नहीं करना, चल चल। मामा जी, ये खत आपके पास कैसे आया? क्यों, ये खत तो आया लिख रही थी। आया? हाँ, और ये जो धब्बे। मालिक, आप? ये खत पहचानती हो? चुप क्यों हो? जवाब दो, क्या ये आग तुमने लगाई है? आग लगाई नहीं मालिक, बल्कि सरिता के दिल में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश की। मैं दिन रात उसके साथ रहती हूँ, मुझसे ज्यादा उसके दिल का हाल और कौन जान सकता है। तो ये लंका घर के भेदी ने ढाई है, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी बेटी नहीं है? इस बात का पता तो मुझे लखनऊ में ही लग गया था, लेकिन मालिक, ये खत मैंने सरिता की भलाई के लिए लिखा था। खामोश! तुम्हारी इतनी चिरत, अगर मैं बदला लेना चाहूं तो अपने एक इशारे से तुम्हें खाक में मिला सकता हूं, लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ इतनी सजा काफी है कि तुम यहां से चली जाओ। मालिक, जाओ। जो हुक्म मालिक, मगर मुझे एक बार सरिता से मिलने दीजिए मालिक। नहीं, अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छी बात है मालिक, जाती हूं, मगर सरिता का दिल न तोड़िएगा, वरुण के बगैर कभी खुश नहीं रहेगी। क्या करना है और क्या नहीं करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन तुम इस घर से इसी वक्त चली जाओ। अच्छा, तो कहीं से उठाई हुई लड़की आप मेरे लड़के के पल्ले बांधना चाहते, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकता जिस जात पात का पता हो ना माँ बाप का। सब दरवाजे बंद हो गए, एक रात की बात है, अगर कल शादी न हुई तो सब दरवाजे बंद हो जाएंगे, सब। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। सुनो भैया, अरुण बाबू कहाँ रहते हैं? ऊपर है। डॉक्टर जी से सब कुछ बता रहे हैं।
जाए यहां से। अरुण चौधरी साहब, आप? मैं अंदर आ सकता हूं? आइए, गरीब का दरवाजा हर किसी के लिए खुला रहता है। अरुण, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। हम गरीबों के यहां खाने के लिए नमक नहीं होता, किसी के जख्मों पर छिड़कने के लिए कहां से आएगा। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ अरुण, मेरे झूठे गुरूर की शिकस्त हुई। इस वक्त एक हारा हुआ अमीर और चोट खाया हुआ बाप तुम्हारे सामने खड़ा है, और वो भी एक कंगाल शायर से अपनी बेटी की खुशी मांगने के लिए, अपनी इज्जत की गिरती हुई दीवार को बचाने के लिए। चौधरी साहब, अब मैं भी जान चुका हूं कि वो लड़की जिसको आपने अब तक अपनी बेटी बना के दुनिया के सामने पेश किया, वो दरअसल आपकी बेटी नहीं है। कौन जाने उसका जन्म भी किसी ऐसे घराने में, किसी ऐसी बिरादरी में हुआ हो जिस बिरादरी को आप जैसे लोग गरीब कहते हैं। अरुण, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं एक हारा हुआ आदमी हूं। हारे हुए आदमी से बहस नहीं की जाती, उस पर रहम किया जाता। रहम? और आपके मुंह से? बड़ा अजीब लगता है। उस दिन की बात आप भूल गए जब आपने अपनी झूठी इज्जत के लिए मेरी बहन की बेइज्जती की थी और एक ऐसे आदमी का दिल दुखाया था जिसकी नजर में आपकी बेटी मंदिर की मूरत है। लेकिन बेटा, अब तो मैं खुद उसे दुल्हन बनाकर अपने हाथ से उसका हाथ तुमसे मिलाना चाहता हूं, इसलिए कि आज आप मजबूर हैं। लेकिन याद रखिए, मैं आज तक उस प्यार उस लगाव के सहारे जिंदा रहा हूं जो मेरे लिए मेरी बड़ी बहन के दिल में है, और मेरी वो बहन जिस दरवाजे से निराश होकर आई है, मैं उस दरवाजे पर अपनी आशा की चिराग नहीं चलाना चाहता। आप यहां से चले जाइए। अरुण, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। चौधरी साहब, गरीबों की ये छोटी सी दुनिया एक तलैया है, इसमें चांदी का सिक्का फेंक कर यहां की शांति मत छीनिए। यहां प्यार का सौदा नहीं होता। आप यहां से चले जाइए, मेहरबानी करके चले जाइए। क्यों कैसे आई बेटा? याद है एक बार तुमने सरिता से कहा था कि मुझे देखकर तुम्हें अपनी मां याद आ गई थी। आज एक मां अपने बेटे से कुछ मांगने आई है। तुम्हें जान गए हो कि सरिता चौधरी साहब की बेटी नहीं है, इसलिए उसका रिश्ता एक बड़े घर में होते होते रह गया। लेकिन बेटा, रिश्ता तो दिल से दिल का होता है। जब सरिता का दिल तुम्हें पुकार रहा है तो फिर अपना वर्ष तुम क्यों भूल रहे हो? हाँ, ये ठीक ही कह रही है। इसमें सरिता का क्या दोष है? बाप की जिद की सजा बेटी को क्यों मिले? सजा कैसी? सरिता एक अमीर बाप की बेटी है, वो दौलत से खुशी खरीद सकती। नहीं बेटा, नहीं। अमीरी का गुरूर तो खून में होता है, और सरिता तो चौधरी साहब की गोद ली हुई बेटी है। मैं जानती हूं तुम इसके लिए क्या हो। वो दुनिया भर की दौलत ठुकरा सकती है मगर तुम्हें नहीं। बेटा, अगर वो जिएगी तो तुम्हारे लिए और मरेगी तो तुम्हारे लिए।
और उनसे छोड़ दो, कह दो तो मैं चौधरी साहब से कह के आती हूँ कि सरिता हमारी हो गई। हो क्या गई, वो तो सदा से इसी घर की थी। कहो बेटा, कहो कि तुम सरिता के आंसुओं को मुस्कान में बदल दोगे। मां, तुमने जो फैसला कर दिया। जीते रहो बेटा, मेरे साथ हो। तुम्हें सरिता की जिंदगी पर तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। अब सरिता सदा मुस्कुराएगी, सदा मुस्कुराएगी। पूरा किया, अब तो तुम्हारे सपने पूरे हो गए। यहां का किसने आने दिया? अरे आने किसने दिया भैया, खुद ही चली आई है चोरी करने की इरादे से। इसे पुलिस के हवाले कर दो। आज शादी का शुभ दिन न होता तो मैं ऐसे ही करता। निकाल दो से, निकाल दो बाहर। चल 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 क्या जल्दी आया को लिया, इन लोगों ने आया को निकाल दिया। अच्छा तुम पागल हो रहे क्या? मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए, आया तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती थी। भैया निकाल दिया उसे और ये गठरी छीन लाई हूँ, जरूर इसमें चोरी का माल है। नहीं ये कभी नहीं हो सकता, आया कभी चोरी नहीं कर सकता। फिर आई क्यों थी? धूप में बाल नहीं पकाए मैंने, देख ले इसमें चोरी का माल है। जी क्या हुआ आपको? सत्यानाश हो गया, सब सत्यानाश हो गया। क्या हुआ? बेटी मैंने आज तक तुमसे एक बात छुपा रखी थी, आज से 18 साल पहले मैंने तुम्हें अपने दरवाजे पर पड़ा पाया था। पिताजी। हाँ बेटी, और उसके दूसरे ही रोज मनोरमा आया बनकर इस घर में आई। उस दिन मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन आज आज मुझे कोई शक नहीं कि वो तुम्हारी माँ है। माँ? हाँ माँ, वो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। उनके होते हुए कन्यादान करने का मुझे कोई हक नहीं। बेटी चलो, बेटी चलो इन्हें ढूंढ ला। हाँ बेटी चलो। बेटा तुम तो जानते हो सरिता मेरी गोद ली हो बेटी। जिस दिन सरिता मुझे दरवाजे पर पड़ी मिली उसके दूसरे ही रोज मनोरमा आया बनकर मेरे घर में आ गई, लेकिन उस दिन मुझे बिल्कुल पता न चला कि वो कौन है। कौन है वो?
वो सरिता की मां है बेटा। मां? हाँ मां, वो मां जो 18 वर्ष अपनी संतान के लिए आया बनकर बैठी। चाहते हो इसके बदले मुझसे क्या ही ना मिला, हमने उस पर चोरी का इल्जाम लगा कर उसे घर से निकाल दिया। बेटा बेटा मैं उसे ढूंढने जाता हूं, उसके होते हुए ये शादी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं। चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूं। चल चल चल। क्यों क्यों खड़ा है ड्राइवर? गाड़ी रोको। लॉली तू यहाँ? लॉली तूने मनोरमा को देखा? हाँ मैं उनके साथ ही आया था उन्हें वापस ले जाने के लिए। फिर? लेकिन वो नहीं लौटी, कहा लाली तू लौट जा बेटा, मैं नहीं लौटूंगी। सरिता की शादी हो गई, उनके सब सपने पूरे हो गए, अब मैं भी उनके पास जा रही हूँ। लेकिन कहाँ है वो, किधर गई? उधर स्टेशन की तरफ। ये आप क्या कर रहे थे? मां! किसने मुझे मां कहा? मां! कौन? मां! क्या कहा? मां! मां! फिर एक बार कहो, फिर एक बार मां कहो बेटी। आज 18 साल से यही सुनने के लिए मैं तरस रही थी। मनोरमा, मनोरमा, मनोरमा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि समानत कमाली कितने बरसों से मेरे ही घर में था। मां होकर भी बरसों तुमने अपने दिल पर पत्थर रखा, नौकरानी बनकर बेटी की सेवा की। लो आज उसी सब्र का फल तुमको मिल गया। आंसू पोछो बहन, एक मां की तरह मुस्कुराओ। हंसो हंसो, चलो चलो। हाँ हाँ चलो ना, नहीं तो 4 मन मिठाई और 6,000 रसगुल्ले सब खराब हो जाएंगे। चलो ना चलो ना। चलो ना।